तो भाई अभी शहर अच्छा खासा चल ही रहा था कि अभी मसले मसाइल आना शुरू हो गए, गार्बेज फिल्ड अप, लोगों के घर में कचरा भर रहा है, मैं कचरा कहाँ फेंकवाऊं उनसे। तो हे गाइस, वी आप बल्कि वी नहीं, आई एम बैक विद अनदर गेमिंग वीडियो। आज मैं बनाने वाला हूँ अपना बहरिया टाउन, अपना खुद का बहरिया टाउन जिसका मैं होऊंगा मेयर। अब मसला ये है कि हमें आवाम की काफी चीजों का ख्याल रखना है कि उनको पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल सब हम सस्ते से सस्ता दें और जमीनें भी सस्ती दें ताकि वो अपने यहाँ पे बिजनेस ला सकें, अपने घर बना सकें। तो अभी हम आ चुके हैं सिटी स्काईलाइन में। अब मसला ये है बहुत सारे मैप थे जब मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज देखे कि हमें कोयला, लकड़ी, पानी कहाँ क्या ज्यादा मिलेगा, तो मुझे जहां तक समझ आए हैं ये दो मैप्स हैं जो मुझे समझ आए जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि हम चलते हैं। आप लोगों को भी नहीं छोड़ सकता कमेंट बाद में, लेकिन ग्रैंड रिवर में मसला ये है हमें ऑयल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। तो हम ये करते हैं, हम जाते हैं ग्रीन प्लेन्स पे और गेम स्टार्ट करते हैं और अपना शहर बनाते हैं, बहरिया टाउन। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं इधर अपने शहर में और तुम जैसे कि देख सकते हो जो बॉक्स है ये हमारे, हमें ज़मीन अभी दी गई है। अगर हम इसमें अच्छा काम करेंगे और अच्छे लोग यहाँ बसा सके, ज़्यादा से ज़्यादा या पब्लिक ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल दुकानें बना सके, लाइक जहाँ कपड़े बिक रहे हो, सब्जी बिक रही हो, एक्सरसाइज सब कुछ, मार्केट्स बनानी है, घर बनाने, बहुत कुछ करना है। अगर हम ये सब में कामयाब हो गए तो गवर्नमेंट हमें और एरिया भी दे सकती है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें इधर एक काम करते हैं ना, पहले हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे कुछ गलियाँ बनाते हैं जहाँ हम रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट कर देते हैं जहाँ पे लोग आके रहेंगे, ठीक है, और वहीं कुछ दुकानें भी लगा देंगे ताकि वो लोग कुछ रहें तो दुकानों से कुछ खरीदें भी। इसके बाद हम सोचेंगे आगे करना क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इधर से हाईवे पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, नाइस, आई लाइक इट। तो हमें क्या करना है, यहाँ से रोड निकालना है ताकि हाईवे से गाड़ियाँ, लोग अपने हमारे शहर में आ सके ना, यहाँ पे आके रहें। तो हम ये काम करते हैं, अच्छी बात ये, हमें सोसाइटी भी हमें बहुत करीब मिली है हाईवे से। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से दो रोड बना देता हूँ ताकि आवाम अंदर तो आ सके कम से कम। ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है, ये आई थिंक इसको भी कर देते हैं 1600, इसको कर देते हैं 1600 और इसको भी यहाँ से ले लेते हैं, बल्कि सीधी सीधी लाइन, सीधी सीधी सी बात, सीधी सीधी सी लाइन, ये किया और मूव। अब हमारे ये एक बन गया, अब हमें काम करते हैं इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से गलत हो गया क्या, नहीं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो गाइस अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं ये करूँगा कि इसको हम हटा देते हैं, मैं यहाँ अंदर एरिया में करता हूँ रेजिडेंशियल प्लॉट, यहाँ पे लोग आके अपने घर बसाएं, अपने घर रखें, और यहाँ जो कोने वाली जगह है यहाँ मैं रखूँगा कमर्शियल्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इनको ये करता हूँ कि यहाँ सब, मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग ना घर रहे, सुकून से रहे, कोई इशू ना हो इनको, और इनको खाने का सामान भी मिलता रहे। तो मैं यहाँ पे कमर्शियल पट्टी रख देता हूँ पूरी कि भाई यहाँ पे ना लोग आके शॉपिंग वोपिंग करें और अपनी दुकानें, अपने बिजनेस बढ़ाएं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, शहर को प्ले कर देते हैं और आई थिंक अगर ओके लाइटें भी लग गई हैं भाई हमारे रोडों पर, ये बात तो बड़ी अच्छी हो गई है। अभी एक मसला, शेट, लोग यूं आएंगे ना, मैंने आने का रास्ता तो खोला ही नहीं यार, मैं कितना नूबड़ा हूँ, लेकिन यार ये तो जगह ख़त्म हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक रोड ऐसे दे देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छा सा सीन बन जाएगा। और अब हम कर देते हैं सिटी प्ले, सिटी हमारा प्ले है यार। अब देखते हैं लोग आते ही नहीं आते, ठीक है यार, घर तो बनना शुरू हो गए भाई, VIP फुल स्पीड से लोग आ रहे हैं और लोग रहना भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा सीन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ओ शिट, मैंने पानी और बिजली का इंतज़ाम तो मैंने किया ही नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको पानी के लिए हम ये मोटर लगा देते हैं इधर और पानी के पाइप खींच के घरों के नीचे से पानी के पाइप दे देता हूँ, तो ये कि सबको पानी भी मिल जाएगा और बिजली का कुछ देखते हैं। नहीं मसला ये, बीच के लोगों को तो पानी मिल ही नहीं रहा है, तो हम इनके लिए एक ऐसे और ऐसे कनेक्शन बना देते हैं, तो ये एक अच्छा सीन हो गया। नो क्या इशू आ रहा है, नो इनफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए इधर जाना है और
हमें विंड मिल्स लगानी पड़ेंगी। और ये क्या बोल रहा है कि ओके जहाँ पे विंड मिल पे अच्छा पावर हमें मिलेगा वो हमें खुद ये जगह हाईलाइट दे रहा है, लेकिन यार यहाँ मैं चाहता था अपना शहर बनाऊँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे 5 मेगावाट यहाँ पे, एक काम करता हूँ यहीं बनाते हैं, यहाँ मैं 2 ये चीज़ें डाल देता हूँ और यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं हम इधर शहर में, तो आई थिंक इनका पानी का सिस्टम भी सॉर्ट आउट हो गया होगा। ओह यस यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ एक और मसला आ गया यार, यहाँ पे मसले पे मसले आवाम क्या सेवेज यार, मैं एक अच्छा मेयर नहीं बन पा रहा हूँ, मैंने अभी तक गटर की लाइनें नहीं डाली हूँ मैं, और मसला ये है ये भी नहीं चला अभी तक, तो मुझे पहले इसको बिजली दे देता हूँ ताकि इसको भी काम चलता रहे। ओके तो हमारा ये सब तो हो गया, अब हमें देना है गंदे पानी की लाइन, गंदे पानी के लिए हमें क्या करना होगा, वाटर ड्रेन पाइप। ओके तो हमारे ये काम का है, हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ, ओ ये भी अच्छा है, अगर मैं वहाँ लगा देता तो गंदा पानी सारा इस मोटर में जाता और लोग बीमार हो सकते थे, तो मैंने ये ठीक किया, मैंने यहाँ थोड़ी सही अकलमंदी वाला मुजाहरा कर दिया। और ये पाइप कहाँ मिलाऊँ, ये पाइप यहाँ मिला देते हैं। अब इसको भी बिजली चाहिए भाई, क्या यार मतलब ये इसीलिए रह गया हूँ क्या मैं काम करता हूँ ऐसे करके ऐसे, तो ये इनको इसको भी बिजली मिल जाएगी। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो गाइस रात हो गई है और हमारा शहर रात में कितना प्यारा लग रहा है, गाड़ियाँ भी घूम रही हैं, ये किसकी गाड़ी है, ए चोर वोर तो नहीं घुस गए, ये किसकी गाड़ी है, जीप पार्क टाइलर होम्स का कोई होगा भाई, कोई हमें नहीं पता। खैर तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हमारा बहरिया टाउन बनना स्टार्ट हो चुका है और पब्लिक भी आना शुरू हो गई है, मतलब इतनी आवाम हमारे पास आ चुकी है भाई, ये क्या कर रहा था। खैर अभी ये कुत्ता भी लेके घूम रहा है भाई, पेट भी अलाउ है ना, चलो ओए इतना सड़ा हुआ घर बनाया हुआ इसने, खैर चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे लोगों का पैसा आएगा। तो अब मसला एक और चीज़ ये है कि हमने घर तो बना लिए और अब हमें यहाँ पे इंडस्ट्री भी डालनी होगी ताकि आवाम जो यहाँ पे रह रही है उसके पास जॉब्स भी तो हों। कि अब मैं वही चाह रहा हूँ कि यार जल्दी सुबह हो जाए, सुबह होने के लिए टाइम बढ़ा देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ अपनी इंडस्ट्री ने यहाँ पे वर्क करे ताकि इंडस्ट्री की जो पॉल्यूशन हो वो हमारी आवाम को तंग ना करे और हमारी आवाम सुकून से रहे, क्योंकि तुम्हें पता है पॉल्यूशन होगी तो फिर आवाम हमारी बीमार भी हो सकती है। और ट्वीट्स भी आ रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट इज़ द सिटी प्लानिंग टू बिल्ड मोर इंडस्ट्री, या आवाम रिक्वायरमेंट कर रही है भाई हमें इंडस्ट्री चाहिए, तो हम कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ से एक हाईवे बना देते हैं डबल लेन का जो इंडस्ट्री को कनेक्ट करेगा, और आई थिंक इतना दूर ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे भी कम है, हमें देखभाल के पैसा खर्च करना है, तो कोई बात नहीं अभी हम यहाँ पे लाके एक ये कर देते हैं, 1400 का ये रखते हैं और 1400 ये और 1400 ये और डन। और यहाँ पे हम 2 गलियाँ बना देते हैं इतनी जगह में, अभी क्योंकि हमारा पैसा कम है हम थोड़ी कम इंडस्ट्री रखते हैं और इन जगहों को हम कर देते हैं इंडस्ट्री के लिए वक्फ, उर्दू खास उर्दू बोल रहा हूँ। और यार यहाँ पे ऐसा नहीं करना, ये मैं यहाँ पे कमर्शियल बना देता हूँ, ठीक है कमर्शियल यहाँ पे, क्योंकि जो इंडस्ट्री में जॉब्स करने आएंगे उनको चीज़ें भी तो खरीदनी होंगी ना, तो वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अभी क्या मसला है, अभी मैं देख लेता हूँ इनका क्या मसला आ रहा है, इनको बिजली नहीं मिल रही, ओके बिजली पानी कुछ नहीं मिल रहा, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम यहाँ एक पावर दे देते हैं। और अब मसला ये है पावर हम अंदर तक कैसे लेकर आएँ, ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं हम ये वाला टावर यहाँ से उड़ा देते हैं, अरे उड़, हमने पावर उड़ा दिया, इसके चारों तरफ मैं घुमा देता हूँ बिजली यहाँ तक जहाँ तक अभी हमें नीड है उतनी दे रहे, क्योंकि हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते चीज़ें बनाने में, पानी भी चाहिए इंडस्ट्री को, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं एक पानी का पाइप यहाँ लेकर आते हैं और ये बूम बूम और बूम। अब मसला ये बीच वाले को पानी नहीं मिल रहा, मैं इनका क्या करूं, खैर इनके भी एक पाइप की लाइन दे दी है। मज़े की बात ये है देखो अब जॉब्स पे लोग आने शुरू हो गए, ट्रक्स हमारे वर्किंग में आ चुके हैं और हमारी और हम लोग प्रॉफिट में भी जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एक खूबसूरत सा शहर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है, अगर तुम लोग भी प्लॉट लेना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बहरिया टाउन में तुम लोगों को प्लॉट भी दिलवा दूंगा मैं, असली वाले में नहीं, इधर तुम लोग को जहाँ घर लेना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी इस वीडियोस में अच्छे अच्छे कमेंट्स करेगा मैं उसके नाम की स्ट्रीट्स अपने शहर में बनाऊँगा। अब जैसे कि पहली स्ट्रीट है यहाँ पे, उस बंदे का नाम आएगा जो कमेंट सबसे पहले कर रहा होगा, जैसे कि यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ अभी के ओए उमेर, वो हमें एक कॉन्ग्रेचुलेशन, 500 लोग हमारे
टाउन में आ चुके हैं, मतलब 500 की आवाम हमारे टाउन में है, और मैं इस स्ट्रीट का नाम रख देता हूँ उमेर स्ट्रीट। इसी तरह जिस स्ट्रीट में मैंने लिखा है उमेर स्ट्रीट, एक एक स्ट्रीट में तुम लोगों के नाम भी कर सकता हूँ, और अगर चाहोगे तो हॉस्पिटल के नाम, यूनिवर्सिटीज़ के नाम तुम लोगों के नाम पे रख सकता हूँ। तो तुम लोगों ने वीडियोस पूरी देखते रहनी है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने इंडस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है, इंडस्ट्री में कोई घप मसले वाली चीज़ नहीं चल रही, इंडस्ट्री फुल अपना मज़े से घूम फिर रही है, और मैंने इंडस्ट्री को रूरल रोड दिए ताकि, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पे चलते हैं, उनको कोई मसला ना हो। तो भाई अभी शहर अच्छा खासा चल ही रहा था कि अभी मसले मसाइल आना शुरू हो गए, गार्बेज इज फिल्ड अप, लोगों के घर में कचरा भर रहा, मैं कचरा कहाँ फेंकवाऊँ उनसे। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं कचरा कुंडी बना देता हूँ, लेकिन शहर में नहीं बनाना चाहूँगा, मैं शहर को अपना साफ सुथरा रखना चाहता हूँ। तो शहर से मैं तकरीबन एक डुअल रोड निकालता हूँ जो इंडस्ट्री के करीब थोड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, और ऐसे करके, और यहाँ पे मैं एक कचरा कुंडी बना देता हूँ ताकि लोग अपना कचरा यहाँ फेंक सकें। लेकिन एक मसला हो गया, मैंने कहा तुम कुछ ज़्यादा दूर बना दिए, कचरे का ट्रक भी काम करने लग गया है, कोई इशू नहीं है, और इसके लिए यहाँ पानी भी है, बिजली भी है, तो हमें इसको आई थिंक पानी बिजली की क्या ज़रूरत है, सिर्फ कचरा कुंडी है। खैर यहाँ पे देखो ट्रक्स घूम फिर के जा रहे हैं और रूल्स सब फॉलो कर रहे हैं, हमें अभी तक पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब देखो ये ट्रक आएगा और ये इसने कचरा यहाँ से उठा लिया, यहाँ से भी उठा लिया, ओके। जो ट्रक इंडस्ट्री को कनेक्ट करेंगे उनके लिए इजी हो जाए यहाँ से डायरेक्ट गुजरना, मतलब उनको वहाँ घूम के आना पड़ेगा। तो मैं भाई सबकी हेल्प कर रहा हूँ, अब बस ये सब ऐसे ही चलता रहे। अभी हमने इंडस्ट्री तो बना ली है, लेकिन यार मसला ये मुझे लग रहा है कि हमने शहर के अंदर रोड बहुत छोटे बनाए हैं, आगे जाके ट्रैफिक का इशू हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे उस वक्त क्या होता है। तो गाइज अब मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना एक थोड़ा सा शहर इधर भी बना दिया जाए, इधर भी आके लोग अपना रहें। तो अभी मैं ये करता हूँ कि यहाँ भी कुछ डुअल रोड खींच देता हूँ ताकि लोगों को इशू ना हो गाड़ी शाड़ी चलाने में, और ये तो आई थिंक फोर लेन रोड हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा रोड हो जाएगा। हम छोटा रोड यहाँ से निकालते हैं ऐसे, और निकालते हैं यहाँ तक। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, का बोल, अच्छा ये, ओके सॉरी माय मिस्टेक। हम क्या करते हैं एक रोड यहाँ से निकाल के इधर भी सिटी बना देते हैं अपना, और इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम रेजिडेंशियल कर देते हैं, ये डन। और इन जगहों को हम कमर्शियली रहने देंगे, क्योंकि कमर्शियल इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके शहर में बिज़नेस भी चलता रहना चाहिए, और बिज़नेस होगा तो आपके पास पैसा आएगा। तुम लोग देख सकते हो मेरे पास $26,000 आ चुके हैं, तो ये बड़े मज़े की बात हो गई। ये पूरा रोड मैंने कमर्शियल कर दिया, अंदर में सोच रहा हूँ अंदर हम कमर्शियल करें नहीं करें, लेकिन देखते हैं, या हो सकता है कुछ और बनाने को पड़ जाए। अब मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग स्कूल भी बनाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मसला है, नॉट इनफ वर्कर्स, कोई बात नहीं यार, हमने और घर बना दिए हैं, अब आवाम आएगी आपके पास। शेड, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो गई, नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ये क्या मसला है हम देख लेते हैं। ओके यहाँ बिजली आ रही है यार, यहाँ बिजली नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इंडस्ट्री में भी बिजली चली गई क्या, पावर प्लांट में आग तो नहीं लग गई, हुआ क्या है भाई, यहाँ भी बिजली रुक गई, मतलब पानी भी रुक जाएगा लोगों का। इससे पहले कोई और मसले बढ़े मुझे बिजली का सिस्टम ठीक करना होगा, मैं देख लेता हूँ मसला क्या है। ओके तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ 15 मेगावाट, और हमारे यूज़ में 22 मेगावाट, ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है। मैं काम ये करता हूँ इधर जनरेटर लगा देता हूँ एक, ताकि मेरी और बढ़ जाए, नहीं नहीं मैं अभी इतना पैसा मैं ज़ाया नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे और ट्रेडमिल लगा देता हूँ ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये लो भाई इतना खर्चा कर दिया बैरियर टाउन में हमने, और हमारा बैरियर टाउन में फाइनली आई थिंक लाइट आना शुरू हो गई, लोग भी अब खुश होंगे लाइट आना शुरू हो गई है, और अब कोई इशू की बात नहीं है। गाइस देखो मैंने इसीलिए इंडस्ट्रियल एरिया इतनी दूर बनाया ताकि लोगों को पॉल्यूशन से कोई इशू ना हो, और अब ये देखो कितना सुकून में, यहाँ गंदगी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, कोई इशू नहीं है, बट हमारा शहर तो सुकून में है। अभी हम ये करते हैं, हम जल्दी टाइम बढ़ा देते हैं ताकि सुबह हो जाए, और क्योंकि सुबह में काम करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, शिट, ओ यार इतने से एरिया में मैं क्या पानी की लाइनें देता रहूँ यार, क्या बात कर रहे हो, छोटी छोटी बातें, हम आपको पता है इतना बड़ा बैरियर टाउन बना रहे हैं, और हम बहुत बड़ा इसको करने वाले हैं बहुत जल्द। यार ये लॉन्ड्री इसने कहाँ एंट्रेंस पे खोली है यार, इतना बुरा लग रहा है, मतलब कैसा लोगों का, लोग क्या सोचेंगे, मतलब शहर में घुसते ही आपके लॉन्ड्री की दुकान आ गई। खैर हमारे कचरे की कुंडी भी सही जा रही है, और हमारी इंडस्ट्रीज भी ठीक जा रही हैं,
जैसे उमेर स्ट्रीट मैंने नाम रख दिया ना, तुम लोग भी कमेंट्स करो जो अपना चाहते हैं कि भाई एक स्ट्रीट, एक पूरा रोड उस बंदे के नाम हो जाए, मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस स्ट्रीट पे उसका नाम रख दूंगा। ये मैं सोच रहा हूँ क्यों ना स्कूल बनाया जाए, क्योंकि आवाम आना शुरू हो गई है और आवाम की रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि भाई स्कूल बनाओ, हमारे बच्चे वगैरह पढ़ेंगे कहाँ से। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एरिया में स्कूल बना देता हूँ। ओ नाइस, तो हमें एक और विश मिला है, हमारे 1000 लोग कंप्लीट कर लिए हम अपने टाउन में, और अब हम मल्टीपल चीज़ें और बना सकते हैं, मज़े मज़े की चीज़ें खुलती जा रही हैं, तो हम लोग अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करे जा रहे हैं, मतलब हमने शहर बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ पहले हमें तो स्कूल बना दे, ताकि हाई स्कूल बनाए, ये क्या एलिमेंट्री स्कूल हाई कैपेसिटी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग अमीर हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि घुसते शहर के अंदर घुसते ही हम स्कूल ना बनाएं, हम यहाँ बनाएं। ये चीज़ पब्लिक खुश हो गई है गाइस, पब्लिक भी खुश, इंडस्ट्री वाले भी खुश कि अब उनको एजुकेटेड वर्कर्स मिल सकते हैं, डेट्स अमेजिंग। लेकिन यार यार बिजली का इशू क्यों आया है, क्यों शेट, हमें यार मुझे जनरेटर कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि जनरेटर होगा तो वो शोर करेगा, वो पावर बनाने में शोर कर सकता है। तो मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर एक रोड बनाता हूँ डबल लेन का, और इनके पास ही जनरेटर खड़ा कर देता हूँ। जनरेटर 19,000 रुपये का, हमारे पास से 10,000 रुपये हैं, और इतने में तो ये लोग घर छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे अगर बिजली इनको टाइम पे नहीं मिली। यार मुझे एक ये और लगाना ही पड़ेगा, ज़िंदगी में वैसे ही इतने मसले हैं, मेरी ज़िंदगी में और मसले लाओ नहीं। आई थिंक अब इनका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, भाई थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो लोड शेडिंग। यार हमारे पास थोड़े और पैसे होने दो, तुम लोगों के लिए जनरेटर लगवा दूंगा मैं, मसले वाली बात नहीं है। इंडस्ट्री को कोई मसला नहीं है, ये किस चीज़ की इंडस्ट्री है, आइस क्यूब, ओके ठंडा पानी पीने के लिए, ओके नाइस। गाइस हमारा शहर अभी तक मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा गोल क्या है, यहाँ पर स्कूल्स बनाना, और अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे चोरियाँ भी शुरू हो गई हैं, हमें पुलिस की ज़रूरत है, सबसे मेन डिपार्टमेंट तो हम पुलिस लाना ही भूल गए, और प्लस हमारे पास इंडस्ट्रियाँ भी बन गई हैं, कहीं भी आग लग सकती है, फायर ब्रिगेड भी हमें चाहिए होगा, और हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, बहुत कुछ करना है। तो आज की वीडियो इतने ही रखते हैं, अगर तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी शहर के साथ, और इसको ग्रो करते हैं, बैरियर टाउन बनाते हैं अपना।